दुनिया में सब जानते हैं मनुष्य के कोख से बेटा नहीं तो बेटी होती है, लेकिन आज मेरे ब्याही मोरंग बाली की बदन से क्या इच्छा पर पैदा लिया है? क्या दीदी दी, क्या दीदी दी? भले इच्छा पर तो कहां से हम मोहन लगता के बड़ा विश्वास नहीं है। मैंने स्वयं मोरंग वाली की महल में जा रहा हूं, जिस समय मैंने गंगा में डूबने के लिए चाहा, मेरे दुल्हन श्री गंगा से मना कर ले आई। अब मैं जाकर मैंने ब्याही नारी से पूछ रहा हूं, उसके बाद देखा जाएगा। भाभी क्या है? भाभी 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 लगे क्या कि ये उनका ठुनका चलेगा किसका पर? उदय चंद पर। मेरे पर नहीं चलेगा। ये फूल महाकाली के ऊपर समझी तुम? मैं समझ गई देवर जी। क्या मैं क्या बोला? फूल महाकाली को उपरे में लाली, तोरे अंदर काली बिछुआ हो। अगर पोल मैं खोल दू नगर मोहब्बत के अंदर, तुम्हारा पीठ के चमड़ी देगा उधार। आप मत बोलिए, कुछ बोलने की जरूरत नहीं, आप जाइए। ठीक है, मैं जा रहा हूँ। जो तुम्हारा दिल में है वो खुद मैं जानता हूँ। दीदी क्या दीदी कहियो तो यही सब आये, दीदी सब आये, माई सब हो, काका सब भेली ही खापट पैदा तम कहा से आनती बच्चा आई ओका बेटे हम कहता था ली आई। मैं भी छोड़ने वाली नहीं हूँ, मुझे भी नाम है, मेरी नाम भी सोना है, नागिन सोना, नागिन सोना। जब मैं अपना भैया को सर को माथ तो काट दिया तो ये बालक क्या चीज है? मैं भी चाह रही हूं तू में क्या
जाती है, हाथी की मस्तक फट जाती है, जंगल में शेर मेरे भाई से कांपने लगता है, लेकिन ना जाने मोरंग वाली कितना नींद से सो गई थी। मोरंग वाली खुश रहेगी प्यारी, खुश रहेगी। जिस समय मैंने कलिंदर ने पहुंचा, बुढ़ा माहिर सिंह बेटा को लिए ताना मारा, उदल या ताना कौन सा है मर्दाना, सेठी कौन सा है राजपूत। मैंने बुढ़ा को शब्द सुनकर श्री गंगा में डूबने के लिए चाहा। तुमने मुनियावादी को लेकर श्री गंगा पर पहुंची, पैर पकड़ लिया, हिचक हिचक कर रोने लगी, स्वामी जी स्वामी जी आप नहीं डूबिए, लौट कर मोहब्बा चलिए। मैं सुंदर पुत्र जरूर दे सकती है प्यारी। उस समय तुम इतना शब्द बोली, तुमने बोली स्वामी जी कम से कम समय दीजिए, मैंने 9 मास 6 रोज को वादा मनाया, तुमने मंजूर किया, आज वो समय आ गया, आ गया, आ गया। हे गोदिया मेरे दुलरा के तो प्यारी है बेटा के बेया कुलू चल महल तक नाथ बोले भी। जिस समय मेरी परसौती की दारे दुखरी दीदी सोना मुझे कही गोतनी चलो गरम कोठरी में, आधा धार बाहर आधा धार भीतर रखेगी तब पुत्र पर डालेगी राज मोहब्बा में। प्राणनाथ उस समय मैं दार से बेचैन थी, हे बेटा के
कहो पुत्र तुमको बदन से हुआ, इसमें सोना का क्या जरूरत है? तुम सच बोलेगी? प्राणनाथ, मैं उस समय में दर्द से बेचैन थी, मैं बेटा के बारे में मैं कुछ नहीं जानती। झूठ मत बोलो, सच बोलो, सच बोलो। प्राणनाथ, मैं सच कह रही हूँ। बदन साबुन खाए। एक नारी को हाथ छोड़ने से क्या होता है? सात गाय को हथियार लगता है। उस रंडी को यार नाक झोटा कटवा देते हैं,
टीका लगाकर नंगर कट्टा गधा पर चढ़ाकर गंगौर मुखियापट्टी साहर घाट और बगल में जितने गांव है सब गांव में रंडी को मैंने घुमाकर डोम को बुलवाकर डोमिन बनाकर निकाल देंगे। हाउ द जान रे कोई है इस टाइम जिस मुख से तो रंडी बोलता है वो मोरंग बाली को लिए जिस टाइम में काबुल में घोड़ा खरीदने को लेकर पहुंचा ये लाल बाग में डेरा टिकाया इसको सूरत देख करके मुझे क्या बोला कि देवनंदन जब तक ये लड़की को मैं डोली फना करके नगर मोहबानी ले जाऊं तब तक मैं काबुल में जा नहीं सकता है। सही बात है। उसी टाइम में तुमको पिता मर गया सोरी की अंधार मोछ न कटाया। चुप रहेगा दुनिया में सब जानते हैं जिस कन्या को उदल अपना नजर में ले आया मोहब्बा ले जाकर के ही छोड़ा उस समय मोरंग वाली की सूरत से 14 कोस में चिराग जलते थे। एक तो फूला फूल बमोजी दूजे लागे दुतिया के चांद क्यों नहीं तेसरे में फूला जूरा में कटार रखती थी। लेकिन मैंने लक्ष्मीनिया समझकर मैंने शादी करके मोरंग से मोहब्बा में लाया। मोहब्बा में आने से ईट खा पर पैदा उसकी बदन से कैसे हुआ रे चल चल नारी चाल से परखे ईटा परखे पाके से धन के यागन पार से परखे तो सोना के परखे बाते से चादे गीता रामायण के बात करेगा याद रख मैं तुमको दोस्ती तोड़ लूंगा दोस्ती तोड़ लूंगा। रुपना तुम कहां था महाराज मैं यहीं पर था। पूछो जनता से तुम कहां था हम कह रहे हो कनका कहते ये अबू अक्कर मायर हमरा पर लगे छे ए मरा चारा के दिन ए हम पर लटल छे रे कोई चारा उरा नहीं समझता हूं। ओ बाबू ओ बाबू कौन बाबू फिर जाएगा इधर आओ समझाओ आज उदल आवेश में है दुनिया में किसी को नहीं चिन सकता है कोतिबेल जाओ बांसवारी फगुनिया नथुनिया डोम से कह देना हाँ। राज मोहब्बा में महाराजा उदयचंद तुम दोनों भाई को याद किया है आज डोम चंदाल आएगा रे फांसी लबा हम देंगे रंडी तुम्हारी मैं स्वामी ना तो मेरे ब्याही